अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम हेयर अगेन विद अनदर शॉर्ट ब्लॉग। और आवाज़ से पता लग रहा होगा सर्दियों का सीज़न है, सबके गले ख़राब हैं। बट खैर, हमने रिसेंटली एक ट्रिप किया फ्रॉम जर्मनी टू इटली, और ये हमने बाय रोड किया था। तकरीबन 5 to 6 आवर्स की ड्राइव थी, और हमने इटली के अंदर थोड़े मल्टीपल प्लेसेस जो है सिटीज़ विज़िट किए थे। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ दो ही सिटीज़ दिखेंगे, वन इज़ वेरोना एंड द अदर वन इज़ फ्लोरेंस। करेंटली हम वेरोना में हैं, और ये वेरोना का सिटी सेंटर है जहाँ पे सारी लाइट्स वगैरह होती हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं। और यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो ये है वेरोना अरीना। ये बहुत ओल्ड आर्किटेक्चर है जो उन्होंने अभी तक प्रिजर्व्ड करके रखा हुआ है, और ये स्टिल फंक्शनल है। इसके अंदर थिएटर्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, आप जा सकते हैं टिकट खरीद के और अंदर से जो है वो इसको विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ अच्छी थी, बहुत चहलकदमी थी, बहुत से लोग आए हुए थे। सो इट वाज ओवरऑल अ गुड सिटी, स्मॉल सिटी है मगर अच्छी वाइब्स थी इस सिटी की। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन वेरोना में था जूलियट्स हाउस। यकीनन आप सब ने शेक्सपियर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी सुना है तो एटलीस्ट रोमियो जूलियट का तो नाम ज़रूर सुना होगा। सो बेसिकली ये है जूलियट की रेसिडेंसी। आप ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने यहाँ बैठ के रोमियो और जूलियट की जो स्टोरी थी वो उसकी इंस्परेशन ली, और ये इन्होंने जूलियट का हाउस जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा हाउस है, और बहुत ही छोटा सा एरिया भी था, इसलिए बहुत क्राउडेड था, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे, बिकॉज आई थिंक एवरीवन नोज रोमियो जूलियट। यहाँ पे एक छोटी सी सोविनियर शॉप भी थी। इन्होंने बाकी एरिया रेनोवेट कर दिया जैसे आपको ये दिख रहा है, लेकिन जो उसकी बिल्डिंग है वो बिल्कुल उन्होंने उसी हालत में प्रिजर्व की हुई है। और ये आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेशन का काम नहीं किया हुआ है। अगर आप देखें तो मुझे तो थोड़ा सा ओल्ड लाहौर जैसा लुक आ रहा है। और ये कितनी छोटी सी बालकनी है, यही वो बालकनी है जहाँ पे रोमियो और जूलियट का जो इश्क है वो परवान चढ़ा। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लव व्लॉग्स भी नज़र आते हैं, मुझे तो पूरे यूरोप में नज़र आते हैं। यहाँ की कोई ख़ास चीज़ है, जो भी कपल्स होते हैं वो अपने नाम का लॉक लगा देते हैं फॉर गुड लक। बल्कि बहुत सारे जो यंग कपल्स थे वो जूलियट के स्टैचू के साथ एक ख़ास मखसूस अंदाज़ में पिक्चर भी खिंचवा रहे थे, लेकिन वो काफ़ी अनअप्रोप्रिएट लगा मुझे, इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया। अगर आपको तजस्सुस हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं। और ये हैं वो मोहतरमा जूलियट साहिबा। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसके घर को भी जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत स्मॉल सा था, बट समथिंग टू थिंक और उस एरा को याद करने के लिए इट वॉज गुड। आज वजी तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी फ्लोरेंस। बेसिकली दिसंबर का महीना है, तो क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर भी आता है, तो यूजली दिसंबर के अंदर थ्रू आउट दी यूरोप सारी बिल्डिंग्स बहुत सजीवी होती हैं, जो इनके सिटी सेंटर्स होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सदर है, उसका हाल बहुत बुरा है, लेकिन यूरोप के अंदर जो भी मेन सिटी सेंटर होता है उन्होंने बहुत अच्छे से, वहाँ पर सारी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं और उन्होंने उसको बहुत मेनटेन किया हुआ होता है। तो यहाँ पर भी रश था इसीलिए, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला था, क्रिसमस भी थी, तो सारी रोशनियाँ बहुत हुई थी, बहुत चहलकदमी थी। और यूरोप का एक ख़ास अंदाज़ है, वो है वॉक करने का। पूरे यूरोप में आपको कहीं पे भी घूमना है आपको बहुत वॉक करनी पड़ेगी, तो लोग जो हैं बस रात को इसी तरह लॉन्ग वॉक पे निकलते हैं, और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये है फ्लोरेंस का मेन कैथीड्रल, और ये बाय फार मैंने जितने भी कैथीड्रल्स देखे हैं या ओल्ड आर्किटेक्चर देखे हैं, मुझे उसमें से ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा था, प्लस इसके ऊपर जो मार्बल वर्क हुआ हुआ है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन था लाइट पिंक एंड पीच कलर का, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इवन इस वक्त रात थी, मुझे लगता है कि दिन में अगर मैं देखती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। जो डिटेलिंग थी, आप एक एक चीज़ को अगर आप देखें तो उसमें इतनी डिटेलिंग है कि इंसान देख के दंग रह जाता है कि यार ये इतनी डिटेलिंग वाला काम उन्होंने उस वक्त कैसे किया। सो ये बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत तो कैप्चर भी नहीं हो सका है, लेकिन ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के। इसके अलावा आसपास भी बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी जो कि हमने बाय वॉक एक्सप्लोर की और देखी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, मैं ज़्यादातर चीज़ें इसमें नहीं कैप्चर की, बिकॉज
बस घूमने का ज़्यादा इरादा था, कैप्चर करने का इतना इरादा नहीं था। एनीवेज, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।